हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा चैनल है, अभी नया नया बनाया है। उसको पहले प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो ये इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत लड़के सिंगल घूम रहे हैं, सोच रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं बननी हमारी, कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे बात करें। तो ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर है, टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो ये है कि अगर आप किसी बंदी से बात करना चाहते हैं, लाइक सपोज ऑनलाइन चैटिंग आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आजकल लड़के बहुत शाय होते हैं, कुछ मेरे तरह नहीं होते, सब डायरेक्ट बात कर लें, तो बहुत लड़के शाय होते हैं, तो वो लोग बात नहीं कर पाते सामने, तो सर्च करते हैं वो लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, बंदी मिल जाती है, किसी से मिले, उन्होंने सर्च किया, मिल गई, फॉलो किया। तो अब सोचते हैं क्या करें, फॉलो बनने के बाद फॉलो उसने एक्सेप्ट कर ली, या फेसबुक पे आपने ऐड किया उसने रिक्वेस्ट कर दिया, क्या करें आगे। तो जनरली बंदे होते हैं उसको हाई करते हैं, नहीं रिप्लाई करते, फिर हाई हाय 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 बड़ा, मतलब कम से कम 4-5 मैसेज भेज देते हैं। बंदी वो देख के बोर होती है, क्या रही। तो ऐसा ना करो आप, ठीक है। अगर आपको किसी बंदी से बात करनी है, जनरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जैसे बात की पर्सन, तो हाई करो उसको, ठीक है। अगर वो उसने आपका मैसेज सीव कर लिया और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो वेट करो थोड़ी देर कि रिप्लाई करे। अगर नहीं आता तो एक दो दिन भी अगर रिप्लाई नहीं आता सीन करने के बाद, तो टेंशन मत लो, मत सोचो कि आपने आपको इग्नोर कर दिया या वो जान बात भी नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कहीं वो बिजी हो, उसने सोचा हो कि मैं रात में रिप्लाई कर दूँगी या फ्री होगी तब रिप्लाई कर दूँगी, लेकिन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 दिन तक अगर मैसेज नहीं आता तो आप फिर से उसको एक मैसेज कर दो, कैन बी टॉक, पूछ लो, अप्रोच कर लो कि क्या हम बात कर सकते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट होगी आपका प्रोफाइल देख के या आपकी पिक देख के या मतलब जानती होगी, तो वो आपसे बात करेगी और वो उसका रिप्लाई आएगा यस, हम 100% उसका रिप्लाई आएगा यस, कैन बी टॉक। तो अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो गर्ल है उसको आप मैसेज ना करो दोबारा बार बार कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करेगी। अगर उसने आपका कैन बी टॉक का रिप्लाई नहीं करा तो उसका रिप्लाई भी नहीं करेगी। तो कल नहीं आता तो उससे आप मैसेज मत करो, कोई और दूसरी दे दो। तो और बाई चांस अगर रिप्लाई आता है इंटरेस्ट से बात करने में, तो उसने कहा कि हाँ हम बात कर सकते हैं, तो उससे बात करो, पूछो उसके बारे में क्या कर रहे हो, स्टडी करती है, जॉब करती है, वट एवर शी डूइंग, तो पूछो उससे, वो बताइए आपको, अच्छे से पूछोगे, अच्छे से बताइए, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में हॉबीज़ बताओ, उसकी हॉबीज़ पूछो, जानने की कोशिश करो कैसे भी करके। वैसे तो मैं तो एक गेम खेलता हूँ, तो वो गेम मैं आपको नहीं बताऊँगा, सीक्रेट है। तो वैसे अगर वो गेम आप खेलोगे तो आप श्योर की वो लड़की आपको बताएगी अपने बारे में, और आप भी उसको अपने बारे में बता सकते हो। तो उसके बारे में हम जानूँ जैसे ही आप ट्राई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। पूछो उससे आपकी हॉबीज़ क्या, प्लीज़ उसको बोर मत करो कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, प्लीज़ बिल्कुल बोर मत करो, क्योंकि उससे बहुत बोर हो जाएगी, ठीक है। तो आप नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट दे दो बस काफ़ी है, और नॉर्मली बात करो उससे, आपके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, ठीक है, बात करते रहो, टाइम दो। कभी भी अगर ऑनलाइन आ रही है तो एकदम मैसेज मत करो, थोड़ा एटीट्यूड रखो कि अरे बंदी आई है, ठीक है, वेट करो, अगर रिप्लाई आता है या खुद वो मैसेज करती है। अगर नहीं करती, क्योंकि जनरली लड़कियाँ मैसेज नहीं करती, अगर वो नहीं करती तो आप एक मैसेज कर दो, हाय। तो बात करो उससे, टाइम दो, और अच्छे से बात करो, आई एम श्योर कि वो आपसे बात करेगी और आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है, अगर आपने उसको ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा स्पेशल फील कराया, उसको स्पेशल फील कराओ कि अरे आप, मतलब जो भी आप जिस तरीके से करा सकते हो, अपना अपना तरीके होते हैं, मेरा तरीका अलग है, आपका अलग होगा, तो उसे स्पेशल फील कराओ, और आई एम श्योर कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि मैंने जो गर्लफ्रेंड बनाई अपनी इसके साथ में, तो मैंने तो ऑनलाइन ही बनाई है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो प्लीज़ फोकस एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट में मेंशन कर लें मुझे, ओके, थैंक यू।